इस ऑडियो के लिए में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फाइव के चैप्टर नंबर एट्टीन बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग एटीन पॉइंट वन ब्लड के बारे में प्लाज्मा के बारे में फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में ब्लड ग्रुप्स के बारे में एंड कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर एटीन बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड दूसरे आवश्यक सबस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है और जो बेस्ड एंड हार्मफुल पदार्थ बनते हैं उन्हें लगातार बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ता है जिससे टिश्यू स्वस्थ रह सके इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग ग्रुप के एनिमल में अलग अलग मेथड पाए जाते हैं स्पोंजी एंड सीलेंटेटा जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी कैविटी के द्वारा अपनी सराउंडिंग से वाटर को सर्कुलेट करते हैं जिससे सेल के बीच आवश्यक पदार्थों का लेन हो जाता है कई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में इन मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं कई हायर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एक बहुत ही कॉमन बॉडी फ्लूड ब्लड का यूज़ करते हैं एक दूसरा बॉडी फ्लूड लिम्फ भी कुछ सबस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एटीन पॉइंट वन ब्लड के बारे में ब्लड ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एटीन पॉइंट वन पॉइंट वन प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा प्लाज्मा एक स्ट्रोकलर्ड बिस्कस फिलोड है प्लाज्मा ब्लड का फिफ्टी फाइव परसेंट बनाता है प्लाज्मा में नाइन्टी से नाइन्टी टू परसेंट वाटर एंड सिक्स से एट परसेंट प्रोटीन होती है फाइव्रीनोजन ग्लोबिलुन एंड एल्बुमिन प्लाज्मा की प्रमुख मेन प्रोटीन है फाइवरिनोजन की जरूरत ब्लड की क्लॉटिंग या कोगुलेशन में पड़ती है ग्लोबिलिन मेनली बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में सहयोगी होती है एल्बूमेन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में सहायक होती है प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम आइन कैल्शियम आइन मैग्नीशियम आइन बाइकार्बोनेट आइन एंड क्लोराइड आइन एसेक्ट्रा ग्लूकोज एमिनो एसिड लिपिड एसेट्रा भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये और ये बॉडी में हमेशा ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं ब्लड को कॉगुलेट करने वाले फैक्टर प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वह प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो उसे सीरम कहते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एटीन पॉइंट वन पॉइंट टू फॉम्ड एलिमेंट्स के बारे में फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट के अंतर्गत एरेथ्रोसाइट लिकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आते हैं और ये फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का लगभग फोर्टी फाइव परसेंट बनाते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं इरेथ्रोसाइट्स के बारे में इरेथ्रोसाइट्स ब्लड में पाई जाने वाली सेल में एरेथ्रोसाइट या आर बी सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एक स्वस्थ अडल्ट मनुष्य के ब्लड में एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आर पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड पाई जाती है अडल्ट ह्यूमन में आर का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है अडल्ट ह्यूमन में आर का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है कई मामल की आर में न्यूक्लियस नहीं होता है और मामल की आर बी सी की होती है रिथ्रोसाइट में एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और इस रेड कलर की वजह से इन सेल का नाम आर रखा गया है एक स्वस्थ मनुष्य के हंड्रेड एम ब्लड में ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोगी होता है आर की एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज होती है और इसके बाद आर स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं स्प्लिन को ग्रेबियार्ड ऑफ आर कहते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं लीकोसाइट्स के बारे में लिकोसाइट लीकोसाइट को वाइट ब्लड सेल डब्लू भी कहते हैं लीकोसाइट में हीमोग्लोबिन ना होने के कारण लिकोसाइट कलरलेस होती हैं लीकोसाइट में न्यूक्लियस होता है आर की तुलना में डब्लू की संख्या कम होती है लीकोसाइट की संख्या लगभग 6000 से 8000 पर एम क्यूब ऑफ ब्लड होती है लिकोसाइट जनरली सॉल्ट लिब्ड होती हैं हमारे पास डब्ल्यू की दो मेन कैटेगरीज होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड आग्रेनुलोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स इसनोफिल्स एंड बेसोनो बेसोफिल्स वहीं आग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिफोसाइट एंड मोनोसाइट्स डब्ल्यू में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा सिक्सटी से सिक्सटी फाइव एंड बेसोफिल सबसे कम पॉइंट से वन मात्रा में पाई जाती हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट सिक्स से एट परसेंट फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं जो बॉडी में एंटर करने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती हैं बेसोफिल्स के द्वारा हिस्टामिन सीरोनिन एंड हिपेरिन का सिक्रेशन होता है और ये इन्फ्लामेट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं स्नोफिल्स टू टू थ्री परसेंट इन्फेक्शन का अपोज करती हैं और एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएट रहती हैं लिम्फोसाइट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट मेनली दो प्रकार की होती हैं बी एंड टी दोनों बी एंड टी लिम्फोसाइट बॉडी के इम्यून्यू रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट हैं प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल इन बोन मैरो से उत्पन्न होती हैं ब्लड में प्लेटलेट की संख्या डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड होती है प्लेटलेट्स प्लेट प्लेट कई तरह के पदार्थ रिलीज करती हैं उनमें से ज़्यादातर ब्लड के कोगुलेशन में सहायक होते हैं प्लेटलेट की संख्या में कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगता है जिसकी वजह से ब्लड का नुकसान होने लगता है प्लेटलेट की संख्या में कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगता है जिसकी वजह से बॉडी से ब्लड का नुकसान होने लगता है अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.1.3 ब्लड ग्रुप्स के बारे में ब्लड ग्रुप्स हम जानते हैं कि मनुष्य का ब्लड एक जैसा प्रतीत होने के बाद भी ब्लड कुछ एस्पेक्ट में अलग होता है कई प्रकार के ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं इनमें दो प्रकार ए बी ओ एंड आर एच पूरे वर्ल्ड में बाइडली यूज होते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एट्टीन पॉइंट वन पॉइंट थ्री पॉइंट वन ए बी ओ ग्रुपिंग के बारे में ए बी ओ ग्रुपिंग ए बी ओ ग्रुपिंग आर बी सी की सरफेस पर दो एंटीजन ए एंड बी की प्रेजेंस या अप्सेंस पर बेस्ड है एंटीजन केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पांस इसी तरह से अलग अलग व्यक्तियों के प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटीबॉडीज़ प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ में एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ का डिस्क्रिप्शन टेबल 18.1 में दिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर एंड रेसिपिएंट दोनों का ब्लड बहुत ही सावधानीपूर्वक मैच कर लेना चाहिए जिससे कि क्लम्पिंग डिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी की समस्या ना हो डोनर की कंपेटेबिलिटी भी टेबल 18.1 में दिखाई गई है ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ऑन आर बी सी ए एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटी बी डोनर ग्रुप ए ओ ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ऑन आर बी सी बी एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा एंटी ए डोनर ग्रुप बी ओ ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ऑन आर बी सी ए बी एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा निल डोनर ग्रुप ए बी ए बी ओ ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन ऑन आर बी सी नील एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी ए बी डोनर ग्रुप ओ ऊपर टेबल में दिखाए गए फैक्ट से पता लगता है ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं एंड ए बी ग्रुप के व्यक्ति यूनिवर्सल रिसेपियन कहलाते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एट्टीन पॉइंट वन पॉइंट थ्री पॉइंट टू आर एच ग्रुपिंग के बारे में आर एच ग्रुपिंग आर एच एंटीजन रीसेस मंकी में पाया जाने वाला एंटीजन की तरह होता है इसलिए इसे आर एच कहलाते हैं आर एच एंटीजन ज़्यादातर मनुष्यों नियरली 80 परसेंट की आर बी सी की सरफेस में पाया जाता है ऐसे व्यक्ति जिनमें आर एच एंटीजन होता है वह आर एच पॉजिटिव कहलाते हैं और जिनमें यह आर एच एंटीजन नहीं होता है वह आर एच निगेटिव कहलाते हैं एक आर एच निगेटिव व्यक्ति के अंदर यदि आर एच पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए तो यह व्यक्ति आर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं इसलिए आर एंटीजन को भी ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच कर लेना चाहिए आर नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर एंड आर पॉजिटिव फीटस के बीच आर एच इनकम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग का स्पेशल केस एब्जर्व किया जा चुका है पहली प्रेगनेंसी में माँ का आर एच निगेटिव ब्लड एंड फीटस के आर एच एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हो पाता क्योंकि प्लीसेंटा के द्वारा दोनों के ब्लड अच्छी तरह से सेपरेट रहते हैं पहले बच्चे के जन्म के समय फीटस का थोड़ा सा आर एच पॉजिटिव ब्लड माँ के ब्लड में मिलने की पॉसिबिलिटी होती है इस केस में माँ के ब्लड में आर एच एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं इसलिए अगली प्रेगनेंसी के, के केस में माँ बोले तो आर एच निगेटिव की एंटीबॉडीज़ फ़ीटस बोले तो आर एच पॉजिटिव के ब्लड में एंटर कर जाती हैं और बच्चे के आर बी सी को नष्ट कर देती हैं यह फीटस के लिए फैटल होती है या बेबी में सीवियर एनीमिया या जॉन्डिस कर सकती है इस कंडीशन को रिथ्रो बिलास्टोसिस फिटोलिस कहते हैं इसे अवॉइड करने के लिए पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ को एंटी आरएच आर एंटीबॉडीज़ दे दी जाती हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.1.4 पॉइंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में कोगुलेशन ऑफ ब्लड ब्लड का कोगुलेशन बॉडी से ब्लड के अत्यधिक लॉस को बचाने की एक मैकेनिज्म है कट या इंजीनियरिंग की जगह कट या इंजरी की जगह पर कुछ समय बाद बनने वाले रेडिस ब्राउन स्कम कचरा को क्लॉट या कोगलम कहते हैं क्लॉट मेनली फाइब्रिन थ्रेड के नेटवर्क से बनता है और इसमें ब्लड के डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट फंसे रहते हैं प्लाज्मा में मौजूद थ्रोम्बिन एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में बदल देता है प्लाज्मा में एक दूसरा इनएक्टिव पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से थ्रोम्बिन में बदल जाता है एक कॉम्प्लेक्स एक लिंक्ड एंजेमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस की सीरीज से बनता है और इसमें कई सारे फैक्टर पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं इंजरी या ट्रूमा प्लेटलेट को कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टूमुलेट करता है ये फैक्टर कोगुलेशन की मकैनिज्म को एक्टिवेट करते हैं इंजरी वाली जगह के टिशू भी कुछ फैक्टर रिलीज कर ऑडियो के लिए में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट